हेलो गाइस, अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, ताकि आपको चैप्टर टू बहुत इजी लगे। और अगर आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए ये पूरे क्लास टेंथ का सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज होने जा रहा है, एक्सरसाइज 2.1। ठीक, चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बताते हुए चलूँ कि अगर एक ग्राफ है, देखिए अब ये ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर ऐसे कोई भी लाइन बना हुआ है और आपसे पूछा जाए कि इसमें अगर कोई इक्वेशन है, मान लो कि वो इक्वेशन एक्स के फॉर्म में है ना, जैसे यहां पर कहा गया, देखिए कि द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स, पी एक्स यानी एक्स के फॉर्म में है इक्वेशन। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस पॉलिनॉमियल में, यानी पी एक्स वाले पॉलिनॉमियल में, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, तो एक्स की अलग अलग कितनी वैल्यूज आएंगी, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, हमें देखना है कि ये जो कर्व है, ये जो लाइन गया है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार में काट रहा है। जैसे एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा और एक बार यहां काटा, तो यहां पर एक्स के तीन जीरोज हो जाएंगे। कितने जीरोज हो जाएंगे? तीन। ठीक, एकदम यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब देखिए ये एक्सरसाइज एकदम मतलब ऐसे बोलने से हो जाएगा। यहां पर देखिए एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन या कर्व कितनी बार काटा हुआ है, तो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काटा गया है, यानी यहां पर आप जीरोज आप देखेंगे तो जीरो हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहां पर काटा ही नहीं गया है, इसलिए जीरो हो जाएगा जीरो। यहां देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा गया है, तो केवल एक बार, यहां देखिए एक बार केवल काटा गया है, तो यहां पर जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? वन। ठीक, ऐसे यहां पर देख लीजिए, यहां पर एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां, वन टू थ्री, यानी यहां पर जीरो की संख्या कितनी है? तीन। ऐसे यहां पर देखिए एक्स एक्सिस को एक बार यहां पर काटा गया है, एक बार यहां पर काटा गया है, यानी दो बार काटा गया है, तो यहां पर जीरोस कितना हो गया? दो। ठीक है, यहां पर जीरोस की संख्या हो गई टू। इस ग्राफ में देखिए वन टू थ्री फोर, यानी यहां पर जीरोस कितने हो जाएंगे, कितने मिलेंगे? फोर मिलेंगे। और लास्ट इस एक्सरसाइज में देखिए एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, यानी तीन जगह ये ग्राफ टच किया है एक्स एक्सिस को, यानी यहां पर जीरोस हो जाएंगे तीन। देखिए कितना इजी एक्सरसाइज था ये, वन ऑफ द इजिएस्ट एक्सरसाइज ऑफ द होल क्लास टेंथ मैथ्स। सबसे आसान एक्सरसाइज में से ये एक है जिसको आप केवल देख करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन कभी भी चीज़ों को रटना नहीं है हमें। अगर यही चीज़ ना, यही चीज़ अगर ये दे दे x इज इक्वल टू पी ऑफ y, ठीक, और आपसे पूछे कि पी ऑफ y में नंबर ऑफ जीरोज बताइए, तब आपको देखना पड़ेगा कि y एक्सिस को कितनी बार काटा गया है। ठीक, तो CBSE आपके साथ गेम कर सकती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए होपफुली आप ये एक्सरसाइज समझ गए होंगे, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे, तो अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।